सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, राम मोहन और सोहन तीन पार्टनर हैं और जो प्रॉफिट लॉस को शेयर करते हैं वो इक्वल रेशियो के अंदर शेयर करते हैं, 1:1:1। लिखा है कैपिटल दे रखी है उनकी 1,20,000, 90,000 और 60,000। फॉर ईयर 2009 इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड, जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट कर दिया गया उनके अकाउंट में, देम कितना किया गया, 6% इंस्टेड ऑफ 5%, गिव जर्नल एंट्री। ठीक है ना, तो यहां पर क्वेश्चन कहना चाहता है कि 6% आपने दे दिया लेकिन देना कितना था आपको, 5% देना आपको 5% था लेकिन आपने दे कितना दिया, 6%। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कहता है कि आपने किसी को 5 रुपए देने थे और आपने कितने दे दिए, 6 रुपए दे दिए। तो इसके दो केस हो सकते हैं, या तो क्या करो 6 रुपए उससे वापस मंगवा लो और बाद में उसको 5 रुपए दे दो, या फिर ये हो सकता है 5 तो आपने देने ही थे ना उसको, तो आपने एक्स्ट्रा कितना दिया है, 1 रुपया, तो 1 रुपया क्या कर लो वापिस मंगा लो। तो इस केस में भी तो ऐसा है, देने कितने थे 5%, दे कितने दिए 6%, तो या तो करें 6% वापिस मंगवा लें और बाद में 5% दे दें, या फिर क्या करें 1% कोई वापिस मंगवा लें और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें पार्टनर के बीच में। तो दोनों केस के अकॉर्डिंग देख लेंगे। अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ये कैपिटल दे रखी है ठीक है, 2 0 काट दो सभी में से, तो कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। तो 6% के अकॉर्डिंग निकालते हैं कितना आएगा, तो 6% के अकॉर्डिंग कितना आएगा, ये फर्स्ट के लिए आ जाएगा 7,200, राम के लिए, मोहन के लिए कितना आ जाएगा, 5,400। ठीक है, 6 12 6 72, 9 6 54 और 6 6 36, ठीक है ना, 3600 ये आ जाएगा हमारा 6% के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें 5% की, तो 5% कितना आएगा, 12 5 60, 6000। अगर हम बात करें 9 4500, ठीक है, और थर्ड की बात करें 3000, ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा 5%। अगर 1% के अकॉर्डिंग लेना है तो कितना आएगा, फर्स्ट के लिए 1200, सेकंड के लिए 900 और थर्ड के लिए 600। ठीक है, तो ऐसे 1% के लिए बन जाएगा। अब फर्स्ट क्या करते हैं, टेक बैक करते हैं प्रॉफिट, तो क्या लिखेंगे, टू टेक बैक रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर को, तो 6% वापिस ले लो। किससे लेंगे, राम से, मोहन से, ठीक है, और थर्ड कौन है हमारे पास, सोहन से, ठीक है ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इनके अकाउंट में से काटेंगे तो डेबिट हो जाएंगे ये 7,200, 5,400 और ये 3,600, और ये सारे कहाँ आ जाएंगे आपके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो कितना हो जाएगा, तो अगर हम टोटल करें तो 7,200 प्लस 5,400 प्लस 3,600, तो टोटल बैठेगा यहाँ पर 16,200, 16,200 हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना था, 5% देना था, तो लिखेंगे टू डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर डीड, डीड के अकॉर्डिंग कितना था, 5% दे देंगे, तो कितना जाएगा, 6,000, 4,500 और ये 3,000, ठीक है, और ये कितना चला गया आपका, 6 और 4 10,000 और 3 13,000 और ये 500, ये कितने खर्च आपके पास कितने आए, 16,200, और इसमें से माइनस क्या किया आपने, 13,500, ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर बना वो बना 2,700, ठीक है ना, 2,700 भी आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में है। इसको भी क्या कर लो आप, ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एज पर जो उनकी पार्टनरशिप डीड है, रेशियो क्या है उनकी, 1:1:1। 2,700 को कितने से डिवाइड करोगे आप, 3 से, तो कितना आ जाएगा, 900 रुपये यहाँ डाल दिए, तो 900 900 सभी को मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसको टोटल करो, ठीक है, टोटल
टोटल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 16,200, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 16,200, ये कितना आ जाएगा आपका 1,200, ये कितना था आपका 3,000 था ना, ये 3,900 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 3,900, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 3,600, ये कितना आ जाएगा आपका 4,000, ये कितना था 4,500 था, प्लस क्या करोगे आप 900, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 5,400, ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा आपके पास 5,400, ये तो इक्वल हो गए और ये भी इक्वल हो गए, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा 6,900, ये कितना आ जाएगा 7,200, ठीक है। अगर इसमें से माइनस करके देखते हो तो कौन सा बैलेंस आता है, यहाँ पर आता है 300, ये किसकी वजह से, डेबिट की वजह से, और यहाँ पर कितने का बैलेंस का फर्क आएगा, यहाँ आएगा आपका, ये कितना था आपका, ये था आपका 3,900 और ये कितना है 3,600, तो ये कितना आएगा आपका 300, ठीक है ना, यहाँ 300 का फर्क आ रहा है और ये किसकी वजह से आ रहा है, ये क्रेडिट की वजह से, तो डेबिट कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, राम, तो क्या लिखेंगे, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 300 से, टू क्रेडिट किसको करना है, सोहन को, सोहन कैपिटल अकाउंट कितने से, 300 से, ठीक है। तो फर्स्ट केस तो हमारा ये बनता है, अगर सेकंड केस की बात करें, यहां पर क्या है, ये टोटल जितना भी हुआ है सब कुछ ये हमने नहीं करना है, अब क्या करना है, सिर्फ 1% क्या है जो हमने एक्स्ट्रा दिया है वो वापस लेना है, तो क्या लेंगे, टू टेक बैक, क्या लेंगे, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 1%, तो कितना लेंगे पार्टनर से, एक से लेंगे 1,200, सेकंड से कितना लेंगे आप 900, और थर्ड से कितना लेंगे 600, ठीक है, और टोटल हमारे प्रॉफिट लॉस अप्रोविजन में कितना आ जाएगा 1,200 और 600, 1,200 प्लस 900 ये हो जाता है जी 2,100, 2,100 प्लस 600 कितना हो जाता है 2,700, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोविजन के अंदर आ जाता है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 के अंदर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा, सभी के तीन पार्ट में डिवाइड करो तो कितना आएगा 900 900 आ जाएगा, 900 900, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 900, ये कितना हो जाएगा 2,700 चला जाएगा, ठीक है, अब इसको टोटल करो तो कितना आ जाएगा 2,700, ये भी कितना आ जाएगा 2,700, ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर टोटल कर देते हैं, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 900, ये क्या आ जाएगा आपका 600, ये 900, ये भी 900, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 1,200, ठीक है, यहाँ पर कितनी कमी है, ये 300 की, किसकी वजह से, डेबिट की वजह से, तो सेम है यहाँ पर, क्या है आंसर, सेम है, ठीक है, यहाँ पर यहाँ ये कमी कितने की आई है डेबिट में, 300 की, किसकी वजह से, क्रेडिट की वजह से, तो आंसर में कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, तो क्वेश्चन के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, धन्यवाद।